गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कविता मैम, आपकी मैथ्स टीचर। बच्चों, आज रेखा गणित में त्रिभुज चैप्टर समझा रही हूँ। सबसे पहले त्रिभुज क्या है? त्रिभुज की परिभाषा, क ख ग ये तीन रेखाखंड है, तो इन तीनों रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो क्या है त्रिभुज? तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, एक तो क ख, ख ग और ग क, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज के बच्चों तीन शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष कहाँ है? क ख और ग, और त्रिभुज में तीन कोण भी होते हैं, क ख और ग, ये तीन कोण होते हैं। अब अभ्यास 74 का मैं आपको सवाल समझा रही हूँ कि इस त्रिभुज, यह त्रिभुज दिया है जिसमें कि ख 45 अंश है और ग 75 अंश का कोण बना रहा है, लेकिन क का मान ज्ञात करना है हमको कि क कितने अंश का कोण है। तो सबसे पहले क का मान ज्ञात करने के लिए, क का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कोण क प्लस कोण ख प्लस कोण ग, क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है ना, और तीन कोण होते हैं, इसलिए बराबर ये तीनों कितने अंश के होते हैं? 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण क का मान तो दिया नहीं है इसमें, ठीक है ना। कोण ख का मान कितना दिया है? 45 अंश। और कोण ग का मान कितना दिया है? 75 अंश। कितने के बराबर है? 180 अंश के बराबर। हमें कोण क का मान निकालना है, तो कोण क प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 अंश। 120 अंश प्लस 75 अंश, नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 बराबर किसके? 180 अंश, ठीक है ना। तो अब पक्षांतर करेंगे, तो कोण क बराबर 180 में से 120 को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे, 180 माइनस 120 अंश, तो कोण क बराबर कितना आएगा? 180 में से 120 गया तो 180 में से 120 घटाया तो 60 अंश, तो कोण क बराबर 60 अंश आंसर, ठीक है। आ गया समझ में कि त्रिभुज यदि दिया गया है और उसमें यदि दो कोण का नाप दिया गया है और एक तीसरा कोण हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कोण क, कोण ख और कोण ग बराबर 180 अंश लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण क का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ख का मान 45, ग का मान 75 अंश है बराबर 180 अंश, तो कोण क प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 बराबर 180 अंश, तो पक्षांतर करेंगे तो कोण क बराबर 180 में से 120 घटा देंगे तो कोण क बराबर 60 अंश। इस तरह कोण क का मान ज्ञात करते हैं। थैंक यू।